अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। आज डेट है 2 जुलाई और डे है थर्सडे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना पिछला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। अब हम, जैसे कि आपको पता है, पेज नंबर 12 पे हैं और डिसऑर्डर्स कर रहे हैं, डिजीज़ कर रहे हैं। तो अभी हम तो 2 कर चुके हैं और थर्ड वाले पे आ गए हैं, जो कि है निमोनिया। तो निमोनिया क्या है? ये बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन होता है। अगर दोनों लंग्स हमारे इन्फेक्टेड हो जाएं तो फिर डबल निमोनिया कहा जाता है इसको, ठीक है। और कुछ वायरसेस और फंगल इन्फेक्शन भी इसको कॉज कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी, ठीक है। और इसके जो हैं कॉजेज वो पढ़ेंगे हम और सिम्टम्स देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से करना है। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। उसके बाद हम हेडिंग देंगे कॉजेज की। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज़ अ बैक्टेरियम जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। और कहता है कि सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू निमोनिया। यानी हमें पता चल गया कि निमोनिया बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। और ये लंग्स का डिसऑर्डर है, ओके। तो आगे कहता है कि व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्विलाई, और ये हमें पता है कि ये कहाँ पर है, लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर एल्विलाई, दे सेटल देयर। जब कहता है ये जोन सा भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंगल इन्फेक्शन का ऑर्गेनिज्म है, जब वो एंटर हो जाता है ना एल्वियोलाई के अंदर तो फिर वहाँ सेटल हो जाता है, रहना शुरू कर देता है और उसकी तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है एंड ग्रो इन नंबर। दे ब्रेक द लंग टिश्यूज़, और क्या अफेक्ट करता है लंग टिश्यूज़ पे, एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद द फ्लूड एंड पस, ठीक है, रेशे से यानी कि भरना शुरू कर देता है उसको। यहाँ तक करने के बाद आपने सिम्टम की हेडिंग देनी है, जिसमें क्या है जी, सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय अ हाई फीवर, शिवरिंग यानी कपकपाहट, एंड अ कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेटेड ऑफ द ब्लड। यानी कह रहा है कि इसके सिम्टम्स में भी उसने क्या क्या बता दिया है कि फीवर होता है, कपकपाहट होती है, और सांस लेने में मसला होता है, और खांसी बहुत ज़्यादा होती है, और क्या होता है जी, पेशेंट के जो स्किन कलर है ना वो चेंज हो जाता है, वो पर्पलिश हो जाता है या डस्की कलर का हो जाता है। कहता है इसकी बेसिक वजह ये होती है कि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। अब उसके अलावा इसने यहाँ पर ट्रीटमेंट भी दे दिया। पहले 2 डिसीजेज में उसने ट्रीटमेंट का जिक्र नहीं किया था, यहाँ पे हम अलहदा से ट्रीटमेंट की हेडिंग देंगे। वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया कॉज बाय एस निमोनाई। ये कौन था? ये स्ट्रेप्टोकोकस था, ठीक है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था। एंटीबायोटिक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया। तो वैक्सीनेशन भी इसके लिए कह रहा है कि अवेलेबल है, और दूसरा एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी इसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो निमोनिया हो गया। उसके बाद हमने देखना है, नेक्स्ट है हमारा एस्थमा। एस्थमा कहते हैं ये एलर्जिक फॉर्म है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। इसमें एलर्जी होती है पेशेंट को, और ये किसको अफेक्ट करता है, ये ब्रोंकाई को अफेक्ट करता है, ठीक है। और मोर म्यूकस यानी ज़्यादा बलगम बनना शुरू हो जाता है, और एयरवेज नैरोइंग, टांग होनी शुरू हो जाती हैं। और एलर्जी की जो वजूहात है, यानी कई लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, आपको पता ही है, और पोलन, स्मोक, डस्ट, ये जिस जिस चीज़ से एलर्जी है ये इसकी कॉज बनने की वजह बनती है एस्थमा की, ठीक है। तो इसका हम करेंगे कि एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देर इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। इन एस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। एस्थमा में बहुत ज़्यादा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे ही उन्हें कहीं से परफ्यूम की खुशबू आती है या स्मोक या डस्ट फील होती है या पोलन्स फील होते हैं, तो साथ ही उनको खांसी स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी शुरू हो जाती है, छींकने लग जाते हैं, ठीक है। ये एक्सेट्रा तक करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं जी सिम्टम्स आपके। द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कहता है ये एक जैसे नहीं होते हर एक पर्सन में, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी हर पर्सन में डिफरेंट इसके सिम्टम्स होते हैं। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट, वीजिंग
विस्लिंग साउंड देन ब्रीथिंग आउट, एक तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत यानी मुश्किल होना, और उसके साथ साथ क्या आना कि आवाज़ हल्की हल्की आना सांस में से, ठीक है, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, ये इसके सिम्टम्स होंगे हैं। उसके बाद जी द केमिकल ये नहीं करना हम यहाँ से करेंगे, मेडिसिन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, यानी इसका भी आप मेडिकेशन ट्रीटमेंट लिख सकते हैं कि इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं अस्थमा पेशेंट के अंदर। ओके, ये दो डिसऑर्डर हमने किए हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।